कलीसिया री शुरुआत। यीशु रे स्वर्ग वापस जाने ले बाद चेले यरूशलेम शहरा मंजी रुकी रहे, जेड़ा यीशुए तिना जो करने रा हुक्म दितिरा था। तेथी रे विश्वासी लोग लगातार प्रार्थना करने रे कठे हुंदे रहे थे। हर साल फसह रे साजे रे पंजा ध्याड़े ले बाद यहूदी लोग पेंतेकोस्त नावा रा एक खास दिहाड़ा साजे रे रूपा मंज मनाए थे। पेंतेकोस्ता रा टैम से टैम था जेबे यहूदी लोग कणका री फसल कटाई रा जश्न मनाए थे। सारे संसारा ले यहूदी लोग पेंतेकोस्ता रा दिहाड़ा कठे हुई कने मनाने रे कठे यरूशलेम शहरा मंज आयरे थे। इस साल पेंतेकोस्त मनाने रा टैम यीशु रे स्वर्गा जो चले जाने रे लगभग एक हफ्ते ले बाद आया था। जिस टैम सारे विश्वासी लोग कठे हुई रे थे ता तिस घरा मंज स्यों थे अचानक से घर तेज हवा साई आवाजा कने भरी गया। तेबे आगारी चिंगारिया साई सूझने वाला कुछ सब विश्वासिया रे मुंडा ऊपर प्रकट होया। से सब पवित्र आत्मा कने भरी गए और तिने दूजी भाषा मंज परमेश्वर री बड़ाई कीती। ये स्यों भाषा थी जिना जो बोलने रे कठे पवित्र आत्मे स्यों लायक बनाए थे। जेबे यरूशलेमा मंज रहने वाले लोके से हल्ला सुनया ता स्यों भीड़ा रे रूपा मंज ये देखने रे कठे कठे हुए कि क्या होया करा। तिने विश्वासिया जो परमेश्वर रे जरिए किते गेरे बड़े बड़े कामा रे ऐलान करदे सुनया सो हैरान थे, क्योंकि स्यों तिना कामा जो अपनी ही भाषा मंज सुनया कराए थे। इना मंजल कुछ लोके बोलिया कि स्यों चेले नशे मंजे, पर पतरस खड़ा हुया होर तिना कने बोलिया मेरी गला सुना, ये लोग नशे मंज नहीं है। इतरे बजाय जो तुसे देखा है से ही या जो योएल नबिये हुने रे कठे बोलिया था। परमेश्वरे बोलिया आखरी ध्याड़े मंज मां अपना आत्मा दलना। हे इजरायली लोको, यीशु एक एड़ा मानू था जिन्हें ये दसने रे कठे कि से कूणा ये बहुत सारे नौखे काम किते थे। तिने परमेश्वर रे शक्ति ले बहुत सारे नौखे काम किते। तुसे ये जाना है क्योंकि तुसे ये काम देखे, पर तुसे से क्रूसा पर चढ़ाई दित्या। यीशु मरी गया पर परमेश्वर से मरने ले बाद जिंदा करी दित्या। यहूने ये गल पूरी करी दीती जो एक नबी लिखरी थी, तुद अपना पवित्र आदमी कब्रा मंज सड़ने नहीं देना। आसे गवाह है कि परमेश्वरे यीशु दोबारा जिंदा करी दित्या। परमेश्वर आपुए एबे यीशु जो अपनी सिद्धि वखा जो बैठाई कने तेस जो इज्जत दीती, और यीशुए अपने वायदे रे मुताबिक आसा रे कठे पवित्र आत्मा भेजी। पवित्र आत्मा ही ये सारे काम हुणे दया करा जो तुसे देख्या होर सुनया कराए। तुसे से मानो यीशु क्रूसा पर चढ़ाई दित्या, पर पक्का जानी लवा कि परमेश्वर यीशु जो सब चीजा पर हुक्म होर मसीह बनायरा। पत्रसरी गल्ला सुनने वाले लोग अंदरा तक हिली गए थे। इदी कठे तिने पत्रस होर चेलिया ले पुछया, हे भाइयों आसा जो क्या करना चाहिए। पत्रस से तिना जो जवाब दित्या, तुसा मंजले हर एक अपने पापा रे कठे पश्चाताप करा ताकि परमेश्वर तुसा रे पाप माफ करे, और यीशु मसीह रे नावा ले बपतिस्मा लेया तेबे तेस तुसा जो पवित्र आत्मा रा वरदान भी देना। पत्रसा री बोली री गल्ला पर लगभग 3,000 लोके विश्वास कित्या होर यीशु रे चेले बनी गए। तिने बपतिस्मा लिया होर यरूशलेम शहरा री कलीसिया रे भागीदार बनी गए।
जेबे प्रेरिते तिना जो उपदेश दित्या ता विश्वासी लगातार सुनया सो हमेशा मिलते रहे थे और कठे हुई कने खाना खाए थे और तिने हमेशा एक दूजे रे कठे प्रार्थना की। तिने मिली जुली कने परमेश्वर री बड़ाई की और जो कुछ भी तिना वाले था तिने एक दूजे सौगी बांडया। नगरा रा हर एक माणु तिनारे कठे हरी सोच रखाए थे। हर दिहाड़े ज्यादा ले ज्यादा लोग विश्वासी बनते गए। प्रेरितारे काम अध्याय 2 ले एक बाइबलारी कहानी।